हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाई आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी महिंद्रा अल्फा BS4 गाड़ी होती है, अगर हमारी गाड़ी ज़्यादा लोड नहीं लेती हो और गाड़ी क्लच प्लेट स्लप हो जाए और गाड़ी में पिकअप ख़त्म हो जाए, तो उस कमी में हम गाड़ी क्लच प्लेट किस तरीके से डालेंगे और किस तरीके से हम गाड़ी में नई गाड़ी जैसा पिकअप कर सकते हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही जेन्युइन वीडियो होने जा रही है जो कि अल्फा गाड़ी BS4 के लिए स्पेशल। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को पूरा देखना भाई, क्योंकि चैनल पर हम जेन्युइन कंटेंट लेकर आते हैं। गाड़ी है देखो, महिंद्रा अल्फा गाड़ी है, ये BS4 गाड़ी है भाई। इस गाड़ी में कमी आई है कि ये गाड़ी क्लच प्लेट से थोड़ा सा भी लोड नहीं ले रही थी और बहुत ही ज्यादा मात्रा में डाउन थी। जहाँ पर भी इस गाड़ी का काम करवाया था मिस्त्रियों ने इसमें कुछ जुगाड़बाजी बना रखे थे, जिसकी वजह से क्लच प्लेट अच्छे से नहीं काम कर रही थी और लंबे समय तक चलने का काम नहीं कर रखा, जुगाड़बाजी बना रखी ना, क्योंकि ना तो यहाँ पर कट वार्सल दे रखी थी और एक ये बैरिंग टूटने की प्रॉब्लम थी बार बार इस गाड़ी में। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना किस तरीके से हम अल्फा गाड़ी में क्लच प्लेट डाले और हमारी क्लच प्लेट लंबे समय तक चले और खतरनाक पिकअप हो गाड़ी का। तो बने रहे भाई वीडियो में एंड तक, कुछ भी पूछना हो आप हमें कमेंट करना या चैनल के अबाउट में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उससे कॉन्टेक्ट कर सकते। तो देखो, हमने जब इस गाड़ी क्लच प्लेट निकाली तो देखो कितनी सड़ चुकी है क्लच प्लेट इसके अंदर। देखो ये क्लच प्लेट कितनी ज्यादा मात्रा में सड़ चुकी है और टूट भी चुकी है। ये टूटने का कारण क्या रहा है? देखो, सड़ने का कारण तो ये है कि इसके अंदर सप्लाई नहीं गई तेल की, जिसकी वजह देखो सूखी चल पड़ी है और ये टूट चुकी है। अगर हमारी क्लच प्लेट टूटती है तो मिस्त्री ने क्या गलती कर रखी है? जो हमारी कट वार्सल होती है, इस गाड़ी में क्लच वार्सल नहीं डाल रखी थी, जिसकी वजह से गैप रह चुका था। गैप की वजह से क्लच कटोरा और क्लच प्लेट इधर उधर टाइमिंग आउट हो जाएगी तो हमारी क्लच प्लेट टूटेगी ही। तो उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमारा जो कटोरा होता है इसको अच्छे तरीके से डीजल या कैरोसिन से साफ कर ले अच्छे से। इससे क्या होगा, हमारा जो टूटा हुआ कटोरा कहीं से कट वगैरह टूट रहे होंगे तो हमें पता चल जाएगा। और जो हमारी बुश प्लेट होती है इसको भी हमने अच्छे से डीजल से साफ कर लिया। और इसके अंदर आप प्लेट चेक कर लेना भाई, जो हमारी ये बुश प्लेट की रिपट होती हैं, इन रिपटों को अच्छे से चेक कर लेना कि कहीं हमारी रिपट लूज तो नहीं है। जैसे हिला करके अच्छे तरीके से चेक कर लेना। और जो हमारा इंजन गियर है वो भी अंदर से चेक कर ले आप कि हमारा इंजन गियर कहीं से लूज तो नहीं है इसका बुश, और कहीं से कटा तो नहीं है। देखो यहाँ पर थोड़े से दाग हो चुके हैं, ये हम फिटिंग करते टाइम देखेंगे चलेगा या नहीं चलेगा। और उसके बाद दोस्तों देखो, हम JCH कंपनी की क्लच प्लेट लेंगे और इनको कम से कम हम आधा लीटर तेल में 30 से 40 मिनट तक इस तरीके से इनको भिजने के लिए छोड़ देंगे, ताकि अंदर तक इनमें ऑयल पहुंच जाए। और स्पेशल अल्फा के ही स्प्रिंग यूज़ करेंगे और साथ में नई कट वार्सल यूज़ करेंगे। आप वीडियो में बने रहना किस तरीके से इन स्टेपों को जोड़ा जाए।
दोस्तों जब हम क्लच प्लेट डाल लेंगे उसके बाद उसका अगला स्टेप ये होगा कि हमने जो हमारी क्रैंक होती है उसके अंदर हमने कट वार्सल लगानी जरूरी है। इससे क्या होगा कि जो हमारा क्लच के अंदर और इंजन गियर के अंदर जो गैप रहता है वो गैप पूरा हो जाएगा। देखो इस तरीके से उसके बाद आप फिट कर दे भाई इसको और हमारी क्रैंक को घुमा ले और क्रैंक के साथ ही घूमनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि फ्री हो चुकी है और अच्छे तरीके से साफ करके। और जो हमारा ये 13 नंबर का क्लच कटोरे का स्पेशल नट होता है इसको आपने बोंड लगा करके अच्छे तरीके से टाइट कर देना और इतना भी टाइट मत करना है कहीं इसको तोड़ दे, मतलब ये लगना चाहिए आपने अच्छे तरीके से इसको टाइट कर दिया। और एक ये बैरिंग टूटने की प्रॉब्लम होती है, इसके लिए हम NBC का स्पेशल 6000 एक बैरिंग यूज़ करेंगे। देखो दोस्तों ये 6000 एक बैरिंग होता है। अगर हमारी गाड़ी बार बार बैरिंग तोड़ती हो क्लच कटोरे का तो आपने क्या करना, 6000 एक बैरिंग ओरिजिनल ही यूज करना है और इस तरीके से आपने इसको फिट कर देना। अगर आपकी गाड़ी क्लच प्लेट अच्छे से काम नहीं करती हो तो आपने इस तरीके से अपनी गाड़ी क्लच प्लेट डालनी है भाई। इससे क्या होगा आपकी क्लच प्लेट लंबे समय तक चलेंगी और अच्छा पिकअप रहेगा गाड़ी में। हम इस गाड़ी का पिकअप भी दिखाएंगे कितना हुआ कितना नहीं। और उसके बाद हमारे क्लच जो टप्पा होता है उस पर राजी बोंड लगा करके इस तरीके से फिट कर दे। जो हमारे 4 स्टड होते हैं इन स्टडों में क्लच कटोरे को फिट किया जाएगा। जब भी आप इन नटों को टाइट करेंगे आपने वार्सल जरूर लगानी है, जो हमारी स्प्रिंग वार्सल होती है उसको लगाकर और आमने सामने नटों को टाइट करना। कहीं भी गाड़ी का कोई भी आप नट खोलोगे या टाइट करोगे आमने सामने वाले नटों को टाइट करते चलोगे। इससे क्या होगा अच्छे तरीके से हमारा क्लच कटोरा बैठ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने अपनी गाड़ी को नीचे उतार लेना क्लच का हमारा टापा फिट करके। तो आपने क्या करना, अपनी गाड़ी गियर बॉक्स का ऑयल चेक कर लेना है क्योंकि इस गाड़ी में हमारी गाड़ी जो अल्फा और एप्पे गाड़ी होती है इसके गियर बॉक्स में एक 600 ऑयल आता है, आपने वो चेक करना। अगर आपकी गाड़ी का ऑयल पूरा नहीं होगा तो आपकी क्लच प्लेट भी इसी तरीके से सड़ जाती है। ऑयल पूरा करने के बाद आपने अपनी क्लच को मतलब चेक कर लेना कि हमारी क्लच लूज है टाइट। अगर लूज होगी तो आप टाइट कर देना, जैसे इस गाड़ी क्लच लूज थी तो हमने इसको टाइट कर दिया। अगर उसके बाद हम गाड़ी का राउंड लेंगे जब चेक करेंगे उसके बाद कंफर्म पता लग जाएगा कि हमारी क्लच अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है। तो आपने इस तरीके से अपनी गाड़ी क्लच प्लेट डालनी है भाई और इस गाड़ी का हम पिकअप दिखाएंगे कि कैसा पिकअप हुआ कैसा नहीं। तो आप रेगुलर वीडियो में बने रहिए इसी तरीके से। यहाँ पर टाइट कर दें,